hikno yafar jagi tongo ajoram lati bobagra shakbai tang application naharjam shawang butang thagi naikha te sadung jorawo lengjang rono shakbai tang ti है कि एमए स्टूडेंट्स बीए स्टूडेंट्स आज अमीन और ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा परिस्थिति है। आज शायद हम लोग का ओपनिंग कितना 40 नौकरी के लिए है और ओवर 5000 से 6000 लोग आए हैं। अब चिंता ये है कि ये जो 40 लोगों को नौकरी मिलेगा, ये कोई परिवार से नहीं होना चाहिए, कोई एमडीसी का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, कोई ईएम का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, कोई सिफारिश से नहीं होना चाहिए। इसमें जो 40 लोग या जो भी वैकेंसी है वो उनको मिलना चाहिए जो सबसे वंचित है, गरीब है और जिनको दरकार है ये नौकरी का। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास कम से कम 5000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो उनका क्या होगा वो भी हमको सोचना है। आज यहाँ में रिक्रूटमेंट हो रहा है, इतना गर्मी है यहाँ में, इसके लिए मैंने देखा कि इतना गर्मी है तो पानी, इसके लिए मैंने अपने ईएम्स को बोला है, एमडीसीज को बोला कि आपका काम ऑफिस में बैठ के नहीं है, यहाँ में इतने लोगों को पानी का दरकार है, आप पानी दीजिए। मैं खुद जाके मैंने कम से कम 100 से 150 बोतल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया थे। तो हमारा काम नेता बन के ऑफिस में बैठना नहीं है, हमारा काम तिपरासा के संग रहना है और इसी के लिए मैं ग्रेटर तिपरलैंड चाहता हूँ। आज 40 जॉब्स के लिए 5000 लोग ने अप्लाई किया है। अगर हमारा अपना स्टेट हुआ तो 40 नौकरी क्यों, हम लोग 2000 3000 4000 नौकरी दे सकते हैं। आज जितना भी बजट है वो अगरतला में है और अगरतला में ही लोगों को नौकरी मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा अगर तिपरलैंड आए, ग्रेटर तिपरलैंड आए, तो सबको नौकरी मिलेगा, हमारे तिपरासा को नौकरी मिलेगा। ज़मीन हमारा था, आज हमको अपने लोगों को एक चांस देना चाहिए। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो जॉब्स आएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो नौकरी होगा ये कोई एमडीसी या ईएम का रिश्तेदार नहीं हो या किसी के सिफारिश से नहीं हो, जो सबसे डिजर्विंग है, गरीब है, जिनके परिवार में प्रॉब्लम है, उन्हीं के पास ये जाना चाहिए। और जिनको नहीं मिलेगा नौकरी उनके लिए भी हम लोग को कोई हम लोग को सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ तिपरासा के लिए अभी अप्लाई हुआ है या दूसरा का भी है? देखो, अप्लाई करने के लिए जो भी ईडीसी एरिया में वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन हमारा प्रेफरेंस होगा कि हानी बुसा को सबसे पहले नौकरी मिले। Okay, thank you.